तो एग्जांपल बेस्ड ऑन पावर एसोसिएट विद एसी, पावर का फॉर्मूला एलसीआर में कर लिया, कॉस ऑफ फाई कर लिया, फॉर्मूले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 50। तो इसके अंदर लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट, तो लाइट बल्ब की क्या गिवन है, पावर गिवन है 220 वोल्ट सप्लाई, जब कुछ ना गिवन हो तो आरएमएस, और पावर भी जब कुछ ना गिवन हो इंस्टेंटेनियस तो है नहीं, एवरेज। तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। उसने ना कोई इंडक्टर की बात की, ना उसने कोई कैपेसिटर की बात की, तो भी ठीक है ना, सब कुछ तो एवरेज है, एवरेज तो डीसी की तरह ही चलता है। और डीसी में हम क्वेश्चन करते थे इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस क्या होता था, V²/P, V पता है, P पता है, आंसर एक आंसर। फिर आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ V पता है, आपको क्या निकालना है, पीक वोल्टेज निकालनी है, पीक वोल्टेज क्या होती है, V नॉट, तो √2 × V आरएमएस। ऐसी सी है, आरएमएस करंट निकालो, आरएमएस करंट क्या है, पावर इज इक्वल टू V × I, I = P/VRMS आंसर। क्यों, क्योंकि एवरेज पावर ओनली रजिस्टर में क्या होती है, VRMS × IRMS, ये ओनली रजिस्टर का केस है, आंसर ठीक है। यहाँ तक 51 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कौन सा सर्किट हुआ, आरएल, तो आरएल सर्किट है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड आर इज, तो ये वीसी गिवन है और ये वीआर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। एंड इफ आरएमएस करंट भी गिवन है, कैलकुलेट इंपेडेंस एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या निकालना है, इंपेडेंस। देखो जो इंपेडेंस है RL सर्किट का, उसका जो पहला फॉर्मूला मेरे माइंड में आता है ना, वो ये आता है, वो ये आता है, सही बोल रहा हूँ ना, पहला फॉर्मूला ये, पर ना तो इसमें XL गिवन है ना R के, R तो पता नहीं, XL तो गिवन ही नहीं है, तो हम इम्पिडेंस ऐसे निकाल ही नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, हमें हमारे क्वेश्चन में ERMS पता है, अगर मैं करंट बता दूँ, या सॉरी ERMS की जगह आपको वोल्टेज गिवन है, एक एक वोल्टेज गिवन है VR और एक VC, और VR और VC वोल्टेज भी कौन सी है, वी RMS ही गिवन है। तो मुझे पता है कि नेट वोल्टेज RL सर्किट में फॉर्मूला किया था अंडर रूट ऑफ VR² + VC² तो नेट वोल्टेज आ गई, ये पूरे सर्किट का क्या आ गया, ERMS आ गया, करंट मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, तो ERMS आ गया, IRMS आ गया, डिवाइड करोगे सीधी क्या आएगी, इंपिडेंस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि जेड के फॉर्मूले से ही इंपिडेंस आए, आप ई आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड करेंगे तो भी इंपिडेंस आएगी, क्लियर है यहाँ तक, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है। और ऐसी क्या निकालना है, कॉस फाई। अब कॉस फाई की क्या प्रॉब्लम है, मैंने कॉस फाई का फॉर्मूला क्या याद करवाया था, R/Z, पर ना तो यहाँ पर जेड की वैल्यू, तो चलो फिर भी निकाल ली, आर तो पता ही नहीं है। एक तरीका और है,
इसको आप एक काम करो, आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो आई इंटू आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और आई इंटू जेड क्या है, टोटल ERMS। तो एक और फॉर्मूला नोट कर लो, बेटर है, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाई जेड है, या वी आर डिवाइडेड बाई ई आर एम एस है, इससे भी आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर वी आर की वैल्यू 90 है, ई आर एम एस हमें पता है आंसर, तो ये भी सही तरीका है कॉस फाई निकालने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्या निकालना है, सी कैपेसिटेंस। इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, तो ये बताओ पावर फैक्टर कॉस फाई होता क्या है, आर बाय जेड, फाई कॉस फाई पावर फैक्टर यूनिटी है, तो ये वैल्यू वन है, तो आर किसके इक्वल है, जेड के, तो आर और जेड इक्वल है। अगर इंपीडेंस सिर्फ R के इक्वल रह जाए LCR में, अगर टोटल इंपीडेंस R के इक्वल हो जाए, तो दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में XL और XC आपस में क्या हो जाते हैं, तो इसलिए ZR के इक्वल है, ZR के इक्वल है। और अगर रेजोनेंस है तो XL किसके इक्वल है, XC, XL क्या है, L ओमेगा, XC क्या है, 1/C ओमेगा। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी, आपको ओमेगा पता है, L पता है, आंसर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक और शॉर्टकट हो गया, LCR में जब पावर फैक्टर वन होता है तो R Z के इक्वल होता है, इट्स अ केस ऑफ रेजोनेंस, तो पावर फैक्टर वन का मतलब ही रेजोनेंस है। ठीक, नेक्स्ट है Q वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लास्ट टाइम करवाया था Q वैल्यू का, 1/R अंडर रूट ऑफ LC। और लास्ट है क्या निकालना है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो एवरेज पावर डिसिपेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज पावर डिसिपेशन में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर, गलत लिखा हुआ है, जो पावर डिसिपेशन होती है ना उसमें हमेशा आर के साथ ही कैलकुलेशन करनी है, जेड के साथ नहीं करनी। वो कहेगा हीट डिसिपेटेड कितनी है, हीट रेजिस्टर ही निकालता है, जूल हीटिंग का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर एक्स एल टी नहीं होता कभी भी, तो इसलिए जेड चाहे गिवन हो, यूज आपने आर करना है, पावर एवरेज पावर में जो मर्जी यूज करो, पर पावर डिसिपेशन में आपने आर यूज करना है, क्लियर है यहां तक आंसर। 53rd, देखो, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज E नॉट साइन ओमेगा टी, R गिवन है और L गिवन है, फिर से RL सर्किट है, कैलकुलेट इंपीडेंस, ये तो चलो आसान है, R स्क्वायर और XL का होल स्क्वायर, राइट, ये तो इजी है। एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो एक बात बताओ, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो पीक वैल्यू ऑफ EMF बाय जेड कर दें, अगर ये RMS है तो RMS है, अगर ये E नॉट है तो I नॉट है, तो E नॉट पता है हमें, ये रहा E नॉट 200 और जेड पता है आंसर। और लास्ट पार्ट क्या निकालना है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड, आर पता है, जेड पता है, आंसर ठीक है यहां तक। 54,
क्योंकि इस बार पेपर में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इस बार सीबीएसई एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनाएगा। नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं कहा उसने, बनाऊंगा। एप्लीकेशन कैसा होता है, इसकी अगली शीट एप्लीकेशन है, दिखाता हूँ एप्लीकेशन कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन में 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसी एंड आर, एलसीआर सीरीज में है। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स टू गेट मैक्सिमम करंट। भाई जब करंट मैक्सिमम चाहिए एलसीआर में तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, रेजोनेंस। आंसर एक आंसर। नेक्स्ट है करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट करंट एम्पलीट्यूड ई नॉट बाय जेड, लेकिन जेड रेजोनेंस में क्या होता है, आर, तो ई नॉट बाय आर, तो ई नॉट आप निकाल लोगे रूट टू इंटू ERMS, ठीक। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट, क्या सिखाया था, पावर वी स्क्वायर बाय जेड, नहीं वी स्क्वायर बाय आर, और वैसे भी रेजोनेंस है, जेड की जगह वैसे भी आर ही आना है, पर यहाँ आर ही आता है वैसे। क्लियर है 55। देखो तो इसके अंदर क्या गिवन है, पीक वोल्टेज, इसके अंदर क्या गिवन है, पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी गिवन, पीक का मतलब ई नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है एलसीआर में, एल आर सी तीनों गिवन है। फाइंड इम्पीडेंस, आसान है इम्पीडेंस तो निकाल ही लोगे, फेज डिफरेंस टेन फाइव ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर क्या होगी इसमें, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर में क्या यूज करें, पावर डिसिपेट में क्या सिखाया था, रेजोनेंस हो या ना हो आई स्क्वायर आर, जेड नहीं है आई स्क्वायर आर के साथ चलेगा, और आई स्क्वायर कैसे आएगा, आई आर एम एस कैसे आएगा, आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट कैसे आएगा, ई नॉट बाय आर, क्योंकि ई एम एफ ई नॉट गिवन है, आई नॉट तो वैसे भी नहीं गिवन, तो ई नॉट बाय आर से आई नॉट आएगा, आई नॉट बाय रूट टू से आई आर एम एस आएगा, सही है यहाँ तक। तो इसके अंदर पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव आर बाई जेड कर लेना पावर फैक्टर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। फिफ्टी नाइन इसमें ट्रिक है, 59 देखो,
देखो क्वेश्चन है ईएमएफ 100 साइन 3140। आगे देखो ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, तो ये क्या गिवन है, ई नॉट है। अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर सी गिवन है। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, कैपेसिटर में करंट आगे होता है बाय एंगल ऑफ 90। तो अगर ये ईएमएफ की इक्वेशन है तो करंट की इक्वेशन में क्या यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, प्लस 90 कर दिया। अपने को क्या निकालना है, आई नॉट ओनली कैपेसिटर है तो ई नॉट बाई एक्स ही आई नॉट देगा। एक ही क्वेश्चन आ गई यहाँ पर, क्लियर है, सारी वैल्यू पुट करके आया जाएगा। ठीक, याद रखना कैपेसिटर के अंदर, ओनली कैपेसिटर में करंट आगे होता है ईएमएफ से बाय एंगल ऑफ 90। तो यहाँ तक तो क्लियर है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, क्लियर है। तो आई नॉट निकालना है, ई नॉट यहाँ से ई नॉट है, बाई एक्सी करेंगे, एक्सी क्या है 1/c ओमेगा, सॉल्व करके आई नॉट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस पावर निकालो। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये रही, इंस्टेंटेनियस करंट ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। अब जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है 2000 और साइन ऑफ 3140 इंटू कॉस ऑफ 3140, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो 314 का 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 628। तो समझ में आ रहा है ये पावर की वैल्यू कैसे आएगी इसमें। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों करवाया मैंने ये, क्योंकि अगला पार्ट वो कह रहा है कि मुझे फ्रिक्वेंसी ऑफ द पावर निकाल के दो। अब पावर इंस्टेंटेनियसली ऐसे चेंज हो रही है तो पावर का ओमेगा क्या होगा 628, तो ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी आंसर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ये यूज करनी है जो पावर की निकली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, हाफ सी ई नॉट का स्क्वायर, वेयर ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक है, हाँ ये वाला 62। क्या गिवन है, इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल गिवन है एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज 10 कुछ नहीं गिवन तो वी आर एम एस है, और अफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट लीड्स द करंट 5 गिवन है। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर यूज निकालो, नहीं इसमें लिखो फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस करो, इंडक्टेंस नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस, करेक्शन करो क्योंकि इंडक्टेंस तो दे दिया ना ऊपर, तो फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स एल, तो एक्स एल क्या होता है एल ओमेगा, और फिर क्या निकालो एवरेज पावर निकालो। जब एक एम्पियर करंट पास करे, जब करंट कुछ नहीं गिवन तो कौन सा है आई आर एम एस, तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है ओनली आर का है, नहीं इंडक्टर भी है, इंडक्टर के साथ इसमें और क्या लगा हुआ है मेंशन नहीं है, तो ऐसा लगता था ये ओनली इंडक्टर का क्वेश्चन है, पर ओनली इंडक्टर में फाइव क्या होता है 90, इसमें क्या गिवन है, तो इसका मतलब और इसमें कुछ लगा होगा, तो इसलिए मैं पावर का एलसीआर वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि 5 में 90 है ही नहीं ना, इसमें 0 है, तो अगर 0 और 90 कुछ भी नहीं है तो ईवी आईवी cos 5। समझ में आ रहा है यहां तक, मतलब ढूंढने की कोशिश मत करना कि अंदर एल है या आर है या सी है, कुछ भी हो, 5 अगर 5/4 है तो कुछ भी हो सकता है। 63, 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज विद 50 वोल्ट। जब सोर्स ऑफ सप्लाई को रिमूव कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करके बैटरी को फेंक दिया, उसके बाद इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, 5 एम्पियर करंट इंडक्टर में चला गया, एल निकाल लो, तो एल सी ऑसिलेशन है, एक बार एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और फिर एनर्जी मैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंडक्टर की एनर्जी, सॉल्व करके एल कैन बी कैलकुलेटेड, इक्वेट कर दो एनर्जीज। ठीक है यहाँ तक, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन होमवर्क लिखो, ये सारे होमवर्क है, ट्राई करनी है शीट, सारी शीट ट्राई करनी है।